अच्छा पड़ोसी कौन? एक जंगल में शेरों का एक परिवार रहता था। शेर के बच्चे बहुत ही अच्छे और सभ्य थे। अपने बच्चों को यह सिखाने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है, शेरनी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। उन शेरों के परिवार के पास ही गीदड़ और गीदड़नी अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों के समान रहते थे। गीदड़ के बच्चे बहुत ही जंगली और असभ्य ढंग से खेलते थे। इस कारण शेर और उसकी पत्नी शेरनी ने अपने बच्चों को उनके साथ खेलने को मना कर रखा था। परंतु गीदड़ के बच्चे शेर की मांद के पास आकर शेर के बच्चों से मित्रता करना चाहते थे, पर शेरनी अपने बच्चों को सदा उनसे दूर रखती थी और गीदड़ के बच्चों को वहां से हटा देती थी। शेर के बच्चों ने अपनी माँ शेरनी से पूछा, माँ, हम लोग गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते? शेरनी ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मैं तुम सबको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ, नहीं तो तुम लोग भी उनके समान दुष्ट हो जाओगे, फिर कोई भी तुम लोगों को पसंद नहीं करेगा और न ही तुम्हारे साथ खेलेगा। एक दिन शेरनी माँ ने सोचा कि हमारे बच्चों को शेरों के समान दहाड़ना आना चाहिए। वैसे तो वे आपस में खूब खेलते हैं, वे एक दूसरे की गलती पर हंसते भी हैं। इधर गीदड़ के बच्चों ने देखा कि शेर के बच्चे दहाड़ने में खूब आनंद लेते हैं, अतः उन्होंने भी शेर के बच्चों के समान दहाड़ना चाहा, पर वे गीदड़ के ही समान चिल्लाकर गुराने लगे। शेर के बच्चे भी गीदड़ के बच्चों को देखकर और उनका चिल्लाना सुनकर हंसी हंसी में उनके समान गीदड़ की आवाज में चिल्लाकर गुर्राने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार शेर के बच्चे गीदड़ के बच्चों की नकल करने लगे। माँ शेरनी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को ऐसा करने से कैसे रोके। वह उनको समझाते हुए कहने लगी, यदि कोई तुम्हें ऐसा करते सुनेगा तो वह सोचेगा कि जब तुम दूसरों की आवाज की नकल कर सकते हो तो तुम दूसरों की बुरी आदतों की भी नकल करोगे। तुम्हें चाहिए कि पड़ोसियों की यदि बुरी आदतें हैं तो उनकी बुरी संगत से बचकर रहो। शिक्षा: सदा अच्छी संगत करो, क्योंकि बुरे मित्र बुरी संगत में डालकर परेशानी में फंसा देते हैं और इस प्रकार ढेरों शत्रु बन जाते हैं।